क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसका मास है एम, वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है जिसका हाइट है एच। बोल रहा है अर्थ से एच हाइट्स पे घूम रहा है, बोल रहा है उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो कितना होगा। पहले इसको फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ का ऑर्बिट है, ये सैटेलाइट का ऑर्बिट हो गया। तो ये जो सैटेलाइट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एच हाइट पर रिवोल्यूशन कर रहा है। तो जब ये घूम रहा होगा इस ऑर्बिट में तो इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा ये निकालने के लिए जरूरत है। इजीली निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ टू द स्क्वायर। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा क्योंकि ये एक ऑर्बिट में घूम रहा है इसी कारण से, तो जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, सॉरी रेडियस ऑफ द अर्थ ओनली। अब यदि इसको सॉल्व किया जाए तो देख रहे हैं कि LHS जो दोनों का है इक्वेशन वन का और इक्वेशन टू का, ये दोनों सेम है, तो LHS भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम वन एंड टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई। ये आर ई कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ। अब हम क्या देख रहे हैं कि यदि हमारा ये अर्थ है तो इस अर्थ के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेशन कर रहा होगा, ये रिवोल्यूशन कर रहा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा वैसे केसेस में, तो रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट। हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो जी एम बाय रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एच वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कि सिंस स्मॉल जी जो है ये कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर होता है अर्थ सरफेस के लिए, तो जो कैपिटल जी और एम का वैल्यू होगा ये हो जाएगा स्मॉल जी रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। तो इसको हम लोग यदि इसमें पुट कर दें तो इसको लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। अब आर ई स्क्वायर से आर ई बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा स्मॉल जी डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।